नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए चीज़ लाया हूँ, ये देख रहे होंगे, ये डिजिटल एम्पियर मीटर है। एम्पियर वोल्टेज मीटर दोनों उसमें दिखता है। आज मैं इसको बनाने वाला हूँ। जैसा आपके घर में कोई भी चीज़ लगा देते हैं, जैसा इनकेस हुआ, चार्जर हुआ, कोई फ्रिज हुआ और वॉट एवर जो भी आपके पास है, आप लगा के चेक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो अपने को पता नहीं चलता है कि कितना वोल्ट आ रहा है घर में, कितना नहीं आ रहा है। प्लस और हमारा कोई चीज़ है, जस्ट लाइक कोई मशीन है, कितना एम्पियर ले रहा है, वर्किंग में कितना एम्पियर ले रहा है और खाली में कितना एम्पियर ले रहा है। वर्किंग में बोले तो जब उसमें काम करता है, जैसे अपना मिक्सर ग्राइंड करता है तो कितना एम्पियर ले रहा है, खाली में चलाएंगे तो कितना एम्पियर लेता है, उससे पता चलता है। ऐसे तो रहता है। तो आज मैं ये उसके लिए एक बोर्ड बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसा बोर्ड बना के लेना है और मैं अपने स्टोर में लगाऊंगा हमेशा। मेरा जो आटा चक्की है वो कभी कभी मेरे को चेक करना पड़ता है कि मोटर चेक करना पड़ता है कि कितना एम्पियर लेता है वर्किंग में, कितना लोड पे लेता है। और जैसे लाइक 2 HP 3 HP का मोटर रहता है, 1 HP का रहता है, तो वो सब चेक करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसा बोर्ड बना के लेना है और मेरे पास 2 मीटर है एक ऐसा, ये अलग डिजिटल मीटर है, मशीन में से ही आया था, मैंने निकाला, वहाँ पे एक खराब हो गया, ये चालू है, मैं चालू किया हूँ। इस तरह से आपको बोर्ड वगैरह बना के लेना है और यहाँ से कटिंग करना है। और ये मेरा एक सॉकेट लेना है, ये 15 एम्पियर का सॉकेट है, सॉरी 6 एम्पियर और 16 एम्पियर, इसमें दोनों सॉकेट लग सकता है। एक पिन भी है यहाँ पे, पिन मैं लेके रखा हूँ, 5 एम्पियर वाला भी लग सकता है और 6 एम्पियर भी लग सकता है और 16 एम्पियर का भी लग सकता है इसलिए। और ये तो वर्किंग है, दिखा रहा हूँ, इस तरह से फिटिंग किया हुआ है। और आपको इस तरह से कटिंग करना रहेगा, ये कटिंग कर सकते हो। और मैं जैसा लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डिजिटल मीटर ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा बनाना है तो आप बना सकते हैं। सेम तो मीटर नहीं मिलेगा, तो मैं ट्राई करूँगा, जैसा अगर मीटर कोई अच्छा क्वालिटी का हो तो मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। फ्रेंड्स, अभी मैं इसको तो पूरा फुल रेडी नहीं किया हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर सोल्डिंग वगैरह करना है। तो फिर मैं जैसा लाइव वीडियो है, मैं फिर वापस चेक करके बताऊँगा मेरा मशीन कितना लोड में, कितना एम्पियर ले रहा, वोल्टेज मेरे इधर कितना है और फ्लैक्चुएट होता है तो कितना फ्लैक्चुएट हो रहा है वोल्टेज। अभी जैसे लाइक वाटर प्योरीफायर हो गया, मशीन हो गया और चार्जर कितना एम्पियर लेता है, इस पर तो ऐसे जस्ट लाइक आजकल सब चीज़ पर लिखा हुआ आता है कितना एम्पियर क्या कौन सा हमारा मशीन लेता है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। अभी चलो लाइव अपन टेस्टिंग करेंगे, आगे चलते हैं। तो मैं कनेक्शन बता दूं, यहाँ पे दो इनपुट है, यहाँ पे लाइन आएगा और लाइन मतलब अपना फेस है न्यूट्रल। यहाँ सप्लाई दिया है 230 AC वोल्टेज और यहाँ से आउटपुट रहेगा, ये लाइन मतलब फेस एंड मतलब न्यूट्रल। यहाँ पे लिखा है मोटर आउटपुट ड्राइव कनेक्टेड 30 एम्पियर, ये मीटर 30 एम्पियर तक लोड ले सकता है। जैसा 30 मीटर क्या वैसा ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, मतलब पूरा मोटर ट्रिप कर देगा, ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, कोई भी एनी पार्ट मोटर या तो जो भी चीज़ रहेगा ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगा, मशीन स्टॉप हो जाएगा, मशीन पूरा बंद हो जाएगा। और यहाँ से ऑटो ये कनेक्शन है, डू नॉट रिमूव लिंक, ये लिंक ऑटो कनेक्शन किया रहता है। अभी जैसे लाइक मैं अभी यहाँ पे मेरा 16 एम्पियर का पिन है, तो यहाँ पे मैं इसको शोल्डरिंग करने जा रहा हूँ। शोल्डरिंग अगर आप शोल्डरिंग करते हो तो सबसे बेस्ट आप एक पिन यूज़ करो, क्योंकि 16 एम्पियर का पिन कनेक्टेड करने जा रहा हूँ। ये पिन क्यों रबर का पिन है, क्यों यूज़ करते हैं, अगर आपका कहीं से वायर वगैरह निकला है तो शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर। इस तरह से अभी जैसे लाइक मैं शोल्डरिंग कर रहा हूँ, शोल्डरिंग मशीन मैंने चालू कर दिया, अभी हीट हो रहा है, काम करने के लिए रेडी हो गए हैं और मैं ये कर रहा हूँ। और यहाँ पे जस्ट लाइक मैंने फेस के लिए रेड वायर लिया है और निगेटिव के लिए ब्लैक वायर लिया है और अर्थिंग शोल्डरिंग करना है। यहाँ पे लिखा भी है लाइन और इस पर भी लिख के दिया है लाइन एंड।
कनेक्शन कर देना है, लाइन की जगह लाइन दे देना, लाइन की जगह लाइन देना है, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल देना है। यहाँ ये पूरा बोर्ड कंप्लीट हो गया। अभी इसका बस थोड़ा से इधर अटैच करके एकदम, और ये जो हिल रहा है बार बार निकल रहा है एकदम, उसको न्यूट्रल क्लीन परफेक्ट करना है। थोड़ा सा जस्ट और काम बचा है, फिर अपन इसको थोड़ा 15 एम्पीयर प्लग में वायर ज्वाइन करेंगे और मोटर आउटपुट देखेंगे। अभी जैसा कि मैं अभी अगर चालू करके देखा हूँ तो ये चालू है, ऐसा कुछ आंदा नहीं है, लेकिन आपको इधर एम्पीयर नहीं बताएगा, क्योंकि जब तक मैं इस पर लोड नहीं दूंगा आपको एम्पीयर नहीं बताएगा। यहाँ पे वोल्टेज बताएगा कितना है वोल्टेज, अब यहाँ पे हमारा चालू के लिए हमारा वोल्टेज है 232। इसके पहले मैं चेक किया था 250 था, और यहाँ से ऑन करना है और मोटर ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जितना लोड देंगे एम्पीयर पे फिर मीटर बता जाएगा 232 कंटिन्यू करते रहता है। यहाँ पे अभी जैसा मैं देता हूँ एक मिनट समय में, हाँ ऐसा अभी बंद हो गया, मैं एकदम परफेक्ट आपको नीट एंड क्लीन बताता हूँ। आपको मैं 2 मिनट हो यहाँ पे, और नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट है, कौन सा ट्रांसफार्मर है, कैसा इसको असेंबल किया गया है, इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उसके लिए मैं चैनल के नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थोड़ा एक दो दिन का टाइम लगेगा मेरे को यहाँ पर बनाने के लिए, इसके लिए रिसर्च करने के लिए। ओके अभी फिलहाल इस पर फोकस करते हैं, हमारा पूरा काम कम्प्लीट हो गया है। थोड़ा सा इसमें अटैच करना है, फाइनली बोर्ड रेडी हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ से फेस एंड न्यूट्रल, यहाँ से पूरा पीला वगैरह मार्क एकदम फर्स्ट क्लास रेडी किया हूँ। साइड से पूरा वाइट फिनिशिंग, 16 एम्पियर 5 एम्पियर का सॉकेट है, डिजिटल एम्पियर वोल्टेज मीटर है। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, ऑन का बटन है, ये ऑफ का बटन है, ये एंटर का बटन है, ये सेट का बटन है। तो फ्रेंड्स अभी इस पर कैसा है, अपन 30 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं। 30 एम्पियर के बाद जैसे लोड इस पर ज़्यादा ओवरलोड हुआ, 31 32 हुआ, तो ऑटोमेटिक मशीन ट्रिप होके मशीन ट्रिप बंद हो जाता है आपका। मिनिमम मैंने देखा हूँ ज़्यादा करके मैं लोड दिया 20 एम्पियर पे भी अगर आपका मशीन ज़्यादा होता है तो उतने पे ही ट्रिप हो जाता है। अभी अपन इसका लाइव टेस्टिंग करते हैं। मेरे पास दो मोटर है, दो चक्की है, आटा मेकर, एक 1 HP का मतलब जिसमें 1 HP का मोटर है 1 हॉर्स पावर का, और एक 2 HP का जिसमें 2 HP का मोटर है। तो अभी लाइव टेस्टिंग करते हैं, चलो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ वोल्टेज मीटर, अभी स्विच ऑन किया, कितना बताएं 230-240 के आसपास वोल्टेज है, फ्लक्चुएट होते रहता है, वो तो मैं आपको पहले बता दिया। अभी यहाँ पे मैं पिन लगाऊंगा, अभी ये इसमें 2 HP का मोटर लगा रहा हूँ, 2 हॉर्स पावर का, यहाँ पे 2 हॉर्स पावर का मोटर लगा रहा हूँ। मशीन है ये देखो, आटा मेकर है, इसका मैं वीडियो पर्सनली बताऊंगा, इसका डेमो वगैरह कैसे रहता है। ये 2 HP का है, ये 1 HP का है, फिलहाल फर्स्ट अभी हम 2 HP का चला रहे हैं। यहाँ पे व्हील सेट वगैरह दिया रहता है, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दबाना है, यहाँ पे मशीन में म्यूजिक आएगा मतलब जब तक आप अनाज नहीं डालेंगे तो मशीन स्टार्ट नहीं होता, सेंसर रहता है इसमें, जैसे ही आप अनाज डालेंगे ऑटोमेटिक मशीन चालू हो जाएगा। स्टार्टिंग में कितना एम्पियर लिया, 22 एम्पियर लिया, मतलब स्टार्टिंग टॉक कोई भी मोटर का स्टार्टिंग टॉक का एम्पियर ज़्यादा ही लेता है, फिर उसके बाद अपना नॉर्मल जो पोजीशन है उस पर आ जाता है। अभी आप देख रहे हो 2.4 एम्पियर ले रहा, मतलब 2 HP का मोटर 2.45 एम्पियर ले रहा है। अभी इस पर मैं जब अनाज डालूँगा, गेहूँ बाजरी जो भी अनाज मैं डालूँगा, तो इसका 5-6 एम्पियर और ज़्यादा बढ़ेगा, 3.5 एम्पियर के आसपास रहेगा, उससे ज़्यादा एम्पियर नहीं रहेगा। अगर 3.5 एम्पियर के ऊपर गया तो ये मशीन ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, मोटर इसके अंदर सर्किट दिया ब्रेकआउट हो जाता है, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। एम्पियर पे तो 30 एम्पियर तक लोड दे सकती है। अभी अपन उसके बाद ये मशीन चल रहा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, अभी 1 HP का देखेंगे 1 HP का कितना एम्पियर लेता है। वोल्टेज तो आप देख ही रहे होंगे फ्लैक्चुएट हो ही रहा है। अभी आपको यहाँ से ये स्विच में से ऑन का है
मशीन ऑटोमेटिक बंद हो गया है तो नॉर्मल जीरो पोजीशन पे, जैसा मशीन बंद हो जाएगा वो पूरा जीरो वोल्टेज होगा। वापस ऑन करने के लिए मशीन ऑन ही है, आना जलेंगे ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और यहाँ से जो है ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ हो गया, क्लोज दिखा रहा है आपको। अभी 1 HP का इस पर टेस्टिंग करेंगे। अभी मैं यहाँ पे 1 HP का कनेक्ट कर दिया हूँ, एम्पियर है 232 वोल्टेज है। अभी यहाँ पे फुल क्लोज है, ये मशीन 1 HP का वायर है, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी जैसे अपन स्टार्ट बटन दबाएंगे इसमें भी म्यूजिक आएगा। ऑन बटन ऑफ किया, ऑन दबाएंगे म्यूजिक आएगा। अगर हाँ देखो, अभी मशीन आवाज़ भी नहीं कर रहा है तो इसमें क्या फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है, ये जब तक आप यहाँ पे जब तक डोर नहीं लगाएंगे तब तक म्यूजिक नहीं आएगा। डोर लगाते ही म्यूजिक आएगा। वापस आना सेम सिस्टम है, आना जलेंगे ऑटोमेटिक मशीन चालू। कितना एम्पीयर ले रहा, 1.9 के आसपास एम्पीयर लेता है, 2 भी आता है। लोड देंगे 2.5 आएगा, 1 HP का 2.5 तक रहेगा और 2 HP का 3.5 तक जाएगा। 3 HP का भी मशीन है, मोटर वो चेक करने का तो ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करके जाना। अभी मशीन बंद हो गया, ऑटोमेटिक वोल्टेज एम्पीयर क्लोज। वापस आना डालेंगे चालू, मीटर भी चालू। तो स्टार्टिंग में कोई भी मोटर फर्स्ट स्टॉक लेने के लिए एम्पीयर ज़्यादा ही लेता है, फिर अपना नॉर्मल रनिंग पोजीशन पे आने के लिए नॉर्मल एम्पीयर पे, अपना रेगुलर एम्पीयर पे होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना, बेल आइकन तो प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, थैंक यू। मशीन क्लोज हो गया है, अभी अपन मशीन डायरेक्ट यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बंद कर दो, फिर यहाँ से मेन स्विच बंद कर दो।